नाजरीन आपको आगाह करें, हरिपुर का इलाका है तरबेला 3, जहां जनरल काउंसलर की नशिस्त पर 4 उम्मीदवार मदे मुकाबिल हैं। आज बीबीसी 11 हेडलाइंस न्यूज़ हरिपुर की टीम ने मुख्तसर सर्वे किया है, जिसमें आवाम ने अपनी राय देते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं तनवीर तनोली की इस रिपोर्ट में। इस वक्त नाजरीन हम मौजूद हैं जी तरबेला 3 में, और यहाँ पे 4 कैंडिडेट आपस में मदे मुकाबिल हैं। और इस वक्त मेरे साथ यहाँ के कैंडिडेट मौजूद हैं जी अतीकुर्रहमान बाबा। तो आइए हम बाबा से जानते हैं, बाबा आप इस मुकाबला, आपका मुकाबला कितना सख्त है और आप किस तरह जीत पाएंगे? इंशाल्लाह जी, ये अवाम जो है मेरे साथ है, मैं इनके तावन से, बुज़ुर्गों की शफकत से, बच्चों जो हैं और जो मेरे भाई हैं वो मेरे दस्त बाजू हैं। मुझे इंशाल्लाह ताला अल्लाह पर यकीन है, और मेरी कंप्लेंट जितने भी हैं ये वोटर सपोर्टर कर रहे हैं। मुझे जिस गली में जाता हूँ तो वो कहते हैं जी बाबा जी आपके आने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगा कि तिकरमान बाबा का जो पलड़ा है वो भारी है, और इंशाल्लाह हमारी विनिंग होगी, और इंशाल्लाह ये एरिया जितना भी है सारा ये हमारे साथ है, और इंशाल्लाह पहले भी जो है ना लोग आते रहे जाते रहे यहाँ पे, लेकिन हम चाहते हैं कि इस दफ़ा तिकरमान बाबा को वोट दे के इनको कामयाब बनाएं। सर देखा जाए तो मतलब अतीक लाला जो हैं पिछले 3-4 इलेक्शन लड़े हैं, और वो आवाम के हक़ में इस टाइम जो है बेहतर हैं। मतलब हर गमी खुशी में हम लोगों को पहुंचते भी हैं, बाकी उम्मीदवार जो आते रहे हैं जीत के जाते रहे हैं, फिर उन्होंने दोबारा रुख नहीं किया, जो वादे किए हैं, जो मतलब आवाम की उमंगों पे वो पूरा नहीं उतरे, तो इसलिए हम लोग जो है अतीक बाबा को जो है इंशाल्लाह फुल सपोर्ट भी करेंगे, और लोगों से भी बोल रहे हैं उनको सपोर्ट करें, क्योंकि वो आवाम के हक़ में बेहतर काम कर रहे हैं। ये अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, ये है कि अतीक बाबा अच्छे बंदे हैं, उनका जो है ये साथ ज़्यादा लोग दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनका पला भारी नज़र आ रहा है। वो उनका ये है जिस टाइम बुलाओ आधी रात को भी आवाज़ करो ये मसला है तो वो हाज़िर होते हैं। मैं तो अतीकुर्रहमान बाबा का पला भारी देख रहा हूँ, इंशाल्लाह उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है तो इंशाल्लाह वही जीतेंगे। तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जा रहे हैं वोटें वो अपने ये अतीकुर्रहमान साहब जी बाबा जी। आप इंशाल्लाह बाजिद खान को वोट देंगे और बाजिद खान इंशाल्लाह मुंतखब होंगे। ये तो अतीक बाबा की जा रही है जी इंशाल्लाह, और हमें उम्मीद है कि वो कामयाब होगा। माशाल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। तो इनको जी इन 4 में अतीक बाबा, इंशाल्लाह इसकी पोजीशन अच्छी है, तो इसकी पोजीशन भी अच्छी है, और इंशाल्लाह सुनने में ये आ रहा है इंशाल्लाह जीतेगा। इंशाल्लाह तो अतीक बाबा है जी, अतीक बाबे को लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, अतीक बाबे की जो अच्छी है। कैंडिडेट तो तकरीबन ठीक हैं जी सारे, मगर ये अतीक और रहमान साहब हैं, इनका इंतखाबी निशान बाल्टी है, इनका गुपरला बाली नज़र आ रहा है, तो उम्मीद है कि ये अच्छी लीड से जीतेंगे इंशाल्लाह। कैंडिडेट तो सब बराबर हैं तकरीबन, अतीक बाबा जो है वो मेरे हिसाब में 20-22 साल का उनका तजर्बा भी है, एक्सपीरियंस है, तो वो ही बेस्ट उम्मीदवार हैं। मैं तो उम्मीद है जी इंशाल्लाह अतीक बाबा जो है वो जीतेगा, तो हमारी फुल सपोर्ट अतीक बाबा के साथ है। इंशाल्लाह बाबे की पोजीशन वाजे है और इंशाल्लाह हम जीतेंगे, इंशाल्लाह इनका पल्ला भारी है, इंशाल्लाह अतीकुर्रहमान को।